ओके, तो अगर आप कोलाबा में आओगे ना चर्च गेट से, तो आपको कहाँ खाना चाहिए इफ यू आर अ नॉन वेज लवर? आप लोग ने कमेंट में मेरे को बताया था कि अपने को लोकल ट्रेन का वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि मुंबई में वापस चालू हो गया है, तो हो गया है। तो आपके डिमांड पे मैं आज लोकल ट्रेन में सफर करने जा रहा हूँ, बट पहले यहाँ से अरे बहुत बड़ा फैन है, सपोर्ट दे रहा हूँ। थैंक यू अंकल। वो यार इतना बड़ा फैन है ना, आज बोलेगा ना कि आपके साथ में मैं हूँ वो बेटा यहाँ पे नहीं है यार, इसलिए। अच्छा, आप सरप्राइज दो उसको। सरप्राइज देता हूँ। सो अभी हम एक फैन को सरप्राइज करने वाले, उसके डैडी मेरे को मिल गए। यार हाउ आर यू? यूट्यूबर यूट्यूबर श्रेयस 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 नहीं प्रमोद नहीं नहीं मेरा लड़के का नाम श्रेयस है ना, श्रेयस जिसका फैन है ना। अरे बहुत अच्छी अंकल। तो अंकल का कहना है कि अंकल का पानी का बिस्लरी का बिजनेस है, कभी किसी को चाहिए होगा तो। किसको भी चाहिए पानी, कॉन्टैक्ट प्रमोद, आई विल गिव यू ऑल द वाटर पक्का भाई। डोंट कॉन्टैक्ट मी, अंकल को अंकल नंबर बता दो मेरा नंबर। अरे मेरी जान, तुम लोग मेरी जान हो, पकड़े पानी दे दूंगा तुम लोग को। हाँ प्रमोद मिला, प्रमोद। यस यस यूट्यूब यूट्यूब नंबर दे दोगे तो अंकल आपको ही फायदा होगा। सही में? हाँ मेरा फायदा होगा। अरे प्रमोद थैंक्स अ लॉट यार। अरे बोलो तो नंबर। मेरा नंबर है 9987752969। यस, पानी चाहिए होगा फिर से एक बार 9987752969। पानी चाहिए कभी बोल देना, प्रमोद और मैं दे देंगे फ्री में। यस सही नहीं है। अरे बहुत अच्छी है अंकल, क्या नहीं यार, डिलीट कर दे यार, चमक रहा है। ए देख श्रेयस, हाय ब्रो, How are you? ए वीडियो बना रहा है, वीडियो अपना। डैड ने आपको सरप्राइज देने के लिए मेरे को बुलाया है। तेरे को बनना है यूट्यूबर, बनना है। You want to be यूट्यूबर? Come and meet Pramod. He will guide you, बेटा, he will guide you. See. Yes, yes. पक्का you want to be? चलो ब्रो। मिला दूंगा, मैं मिला दूंगा। एक दिन घर पे, अभी डैडी से मैं एड्रेस ले रहा हूँ, घर पे खाना खाने आऊंगा आंटी, पक्का नॉनवेज खाने आऊंगा। ये नो, ये भी नॉनवेज नहीं है, ये भी नॉनवेज है, तो सब बजट कोई नहीं। आपके लिए बाहर खाएंगे हम लोग, बाहर खाएंगे पक्का पक्का, एक दिन डिनर पे पक्का मिलते हैं ब्रो। थैंक यू सो मच आंटी, देखो अच्छी बात है, अच्छी चीजें सीखना भाई। अच्छा ही यार, अच्छा ही यार। कैसा लग रहा है तेरे को लड़का, कैसा लग रहा है मेरा? अरे बहुत स्मार्ट, बन सकता है यूट्यूबर, बनेगा पक्का। इज अ यूट्यूबर, कम ऑन मैन, कम ऑन ब्रो, पक्का एक दिन मिलेंगे डिनर में पक्का। चलो चल, बाय बाय आंटी, चलो सी यू। चल प्रमोद, नाइस वीडियो भी यार, यही कमाया हमने भाई, लोगों को खुशी, लोगों का प्यार, एंड बच्चों को हमारे वजह से कोई अच्छा सीखने मिलता है। माँ बाप बोलते हैं कि आपको बेटा फॉलो करता है एंड अच्छी चीजें सीखता है, दैट इज व्हाट आई हैव अर्नड। फिलहाल के लिए अपने बोरीवली स्टेशन जाने का, अंकल बोरीवली चलो भाई, बोरीवली स्टेशन जाएंगे। चलो, तो अभी अपने गवर्नमेंट ने खुद स्पेसिफिक टाइमिंग्स रखे हैं ट्रेन के, दैट इज फ्रॉम पता नहीं मेरे को, कुछ तो भलते टाइमिंग है। अभी का टाइमिंग मेरे को पता है कि 12 बजे से 4 बजे तक का है, तो 3:13 अभी, तो 4 बजे से पहले अगर मैं नहीं गया तो मैं चर्चगेट नहीं पहुंच पाऊंगा। एंड रिटर्न का टाइमिंग इज, मैंने सुना 7 बजे से 11 बजे तक, तो उसके बीच में अपने को वापस भी आना पड़ेगा, बट मैं ऑब्वियसली जल्दी आ जाऊंगा। फिलहाल के लिए वी नीड टू स्टे काम। तो अपन अभी स्टेशन पहुंच गए हैं, एंड अभी इट इस टाइम के अपन टिकट निकाले। फॉर जनरल पब्लिक 12 आवर्स टू 16 आवर्स एंड 21 आवर्स
टिल मॉर्निंग, मतलब 12 बजे से लेके 4 बजे तक, एंड 21 आवर्स इज 9 o'clock से लेके 7 बजे तक सुबह। $15 इज द कॉस्ट कांदीवली, सॉरी बोरीवली टू चर्चगेट। हनी भाई मेरे को जमाने बाद ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। दिस इज द हालत ऑफ आवर स्टेशन। एंड मेरे को मस्त कल कुछ तो बाइक पे काट लिया, ये ऐसा कराना हो गया है, पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा हो गया था। एंड ये ट्रेन कहाँ से जाएगी, देखो भाई स्टेशन की हालत इज लाइक दिस। जो जो बोल रहे थे ना स्टेशन की वीडियो अच्छी है, वीडियो अच्छी, ये कौन सी है भाई, उसको बिठा हो अभी कोई देने के लिए आएगा। चर्च गेट वो साइड को है, चर्च गेट फास्ट लगी हुई है क्या भाई, ये भागो। चर्चगेट फास्ट है, चर्चगेट है ना भाई, चर्चगेट फास्ट है। 3:19 का है ना, तो 2 मिनट ही है, निकल गई। चला 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 अंदर, द सिचुएशन इज डिफरेंट। बारी ठीक कर रहे, तो ये डायरेक्ट रुकेगी पहले अंधेरी, फिर बांद्रा, फिर दादर, फिर वहाँ से स्लो होती है, ऐसे ही कुछ होता है ना अंकल। अभी डायरेक्ट अंधेरी ना, फिर उसके बाद बांद्रा, दादर, मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल से स्लो हो जाता है। आजकल लगता है ट्रेन ज़्यादा रुक रही है ना, वरना मुश्किल से 30 सेकेंड रुकती है। लिमिटेड ट्रेन से शायद इसीलिए थोड़ा हॉल्ट ज़्यादा हो रहा है। दिस इज़ 3:19 की ट्रेन एंड लास्ट ट्रेन इज़ गोना बी 4 बजे की, मतलब आम आदमी लोगों के लिए, बाद में वो स्पेशल केसेस के लिए होती है। पहुंच गए बांद्रा स्टेशन एंड आई थिंक आगे पीछे हो गए। कभी भी मेक श्योर कि आप लोग बैग आगे रखा करो तो इजी होता है, नहीं तो पीछे इतना भीड़ होता ना अटक जाएगा। फिर भाई मास्क पहन ले भाई, पुलिस वाला बोलता है।
तो कितना फर्क पड़ जाता है, आगे भरा पड़ा था एंड यहाँ पर इतना सुकून है, जबकि मैंने एक ही बोगी चेंज किया था। ये मेरे को लगा मैं फर्स्ट क्लास में तो नहीं चढ़ गया गलती से। नहीं, बांद्रा दादर आते ही पूरी ट्रेन खाली हो गई, पता नहीं क्यों। सिद्धस और ये टिकटॉक के बाद और भी कुछ बीमारियां आई है। ये कौन सा बीमारी आया है भैया? टिकटॉक के बाद कौन सा बीमारी आया है ये? क्या दिखा रहा है? दिखा रहा हूँ कि ये नया बीमारी लगा अंकल पे। भगवान, ये साइड बहुत धूप आ रहा है रे। ये साइड भी खाली हो गया, अपन इधर बैठेंगे। इतने ठाट में कभी ट्रैवल किया आपने? बड़ा टाइम। यूजुअली लोकल ट्रेन में इतना खाली किस्मत मिलना इसके लिए बहुत लकी होना पड़ता है भाई। ऐसा अलग से सेटिंग करना पड़ता है अपना जैसा। बोर हो रहा है यार, अभी बहुत लंबा है। अभी हम पहुँचे हैं मुंबई सेंट्रल, नहीं रे ज़्यादा नहीं है, 3-4 स्टॉप है अभी। अगर आप लोग को किसी को पता नहीं है तो 14th को मेरा बर्थडे था, वो चला गया। बट इस टाइम पे बहुत ही ट्रेजिडी हो गई थी बर्थडे के टाइम पे, इसीलिए मेरे जो क्रॉफर्ड मार्केट के वीडियो थे कुछ लंबे चल गए। अभी भी मेरा शोल्डर ऐसा डिसलोकेट हो गया था, ऑलमोस्ट बच गया था एंड पैर पे भी सूजन आ गया था, वो अभी अभी थोड़ा ठीक हुआ है। तो वो बहुत लंबा स्टोरी है, मैं कभी फुर्सत में बताऊँगा आपको। अरे छोड़ो ना, अभी दुखी बातें क्यों करना है, ऑलरेडी लाइफ में बहुत दुख चल रहा है। तो मैंने वो फेज में शूट भी नहीं किया और किसी को कुछ बताया भी नहीं, पर अभी भी शोल्डर बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। बाद में बात करेंगे। अभी अपन पहुंचने वाले चर्च गेट, मुंबई सेंट्रल से निकल गए अपन एंड अपन सोएंगे अभी। मुस्तम सुहासी दिल है खुशी, पहुंच गए ले चर्च गेट। ये स्लो ट्रेन इससे पहले पहुंच रहा है, ये बहुत स्लो चल रहा है। करने तो दो बट मैं तो दिस इज मेन चर्च गेट स्टेशन देख लो। अभी यहाँ पर ज्यादा अपन शूट नहीं कर सकते बिकॉज एक दो बार मैंने शूट किया है तो मेरे को आके पुलिस वाले रोक लेते हैं एंड आई डोंट वॉन्ट कि अपने सारे मेहनत पे करे कराए पे पानी फिर जाए। यार मेरा पैर ना अभी भी लंगड़ के चल रहा है सीरियसली। तो इससे पहले कि कोई आके रोके मेरे को और मेरा फुटेजेस डिलीट करे, अपन मिलेंगे आपको बाहर जाके। मैं आपको बताता हूँ अगर आप चर्च गेट आए हो तो आपको सस्ता सुंदर टिकाऊ आनी बेस्ट नॉनवेज कहाँ खाना है। तो मैं अभी खाने जा रहा हूँ वहाँ पर, अपन थोड़ा साइड में चलेंगे, ज़्यादा नज़र में नहीं आना यहाँ। एंड यहाँ पर ये साइड देखो भीड़ है, ये देखो जादू, यहाँ पर इतना भीड़ है कि लेन एकदम खाली। एंड दिस इज आर चर्च गेट स्टेशन, फिर अपन मिलेंगे सीधा रेस्टोरेंट में। बाय। एक तो मैं इतना ओवर करते रहता हूँ ना, चिल्लाते फिल्लाते रहता हूँ, नज़र में आ जाता है एकदम, प्रॉब्लम वो है।
चलो अब यहाँ से स्टेशन से निकल के फिर अपन मिलते हैं। चलो 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 चलो। ओके, तो अगर आप कोलाबा में आओगे ना चर्चगेट से, तो आपको कहाँ खाना चाहिए? इफ़ यू आर अ नॉनवेज लवर, आपको नॉनवेज खाना अगर पसंद है ना, तो ये हमारे पीछे है बड़े मियाँ, यहाँ पर मत आना। इसके आगे आके एक गली है जहाँ पर है अपना रेस्टोरेंट अंग्रेज़ों के ज़माने का, इस बगदादी रेस्टोरेंट। ट्रस्ट में यहाँ का नॉन वेज इज वेरी मच टेस्टी एंड एट अ रिजनेबल प्राइस। तो अभी अपन देखते क्या क्या खाते हैं, मतलब ये बहुत टाइम है, देखते खाना मिलता है कि नहीं। क्या खाना मिलेगा? वाओ, एंड इसका बिल्डअप देखोगे तो अंग्रेजों के जमाने का। देखो यहाँ पर देश के हिसाब से स्पेशल होता है। आज क्या है भाई? टुडे इज थर्सडे। चिकन पटियाला नहीं, मैंने मटन कढ़ाई मंगाया है। ये और ये अवार्ड मिला हुआ बगदादी रेस्टोरेंट मटन कढ़ाई इस फेमस। अपन ने मटन फ्राई भुना कुछ तो मंगाया है, एंड ऐसा मेन्यू आपने कहीं नहीं देखा होगा। वाह, ये देखो बगदादी लंच रेस्टोरेंट। वाह, थिंग्स आर थोड़े यूनिक हैं, इसीलिए मैंने बोला आपको बताना ज़रूरी है ना। दिस इज द मेन्यू, चिकन क्रिस्पी, चिकन बटी फ्राई, चिकन फ्राई, चिकन कड़ी मसाला, चिकन कड़ी, चिकन बड़ा, चिकन स्टीव, चिकन मसाला, चिकन चिली, चिकन बिरयानी, चिकन लीवर, चिकन मसाला, चिकन ग्रेवी, चिकन कीमा, चिकन एंड एट अ रीजनेबल प्राइस। ऐसा नहीं है कि मैंने बड़े भैया नहीं खाया है, वहाँ भी खाया है, बट बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड है। एंड मेरे जैसे इंसान का ना क्वान्टिटी बहुत मैटर करता है, तो वहाँ पर बहुत कम आता है। दिस प्लेस इज रियली नाइस, दिखने में थोड़ा पुराने ज़माने का फील देता है तुमको, ब्रिटिश टाइप। चलो ऑर्डर करते हैं कुछ बिरयानी वरियानी खाते हैं। दिस इज आर मटन फ्राई। कैसे हो अंकल? बस मज़े में। हाँ सही है सही है। हाँ हाँ गिरा के कोई नहीं है। दिस इज आर मटन फ्राई मसाला विथ आर बटर रोटी एंड दिस इज आर चिकन बिरयानी। देखो मटन फ्राई मसाला में मटन के पीस है, एक दो तीन चार, चार पांच पीस है, बाकी आलू टमाटर ही है। और बिरयानी लुक्स थोड़ा सा लजीज, ऊपर से फ्राइड वाले कांदे। अरे फोड़ी कैसा हो गया, ऐसा लग रहा है किसी ने मारा है मेरे को, पता नहीं क्या काट के गया। चलो बटर रोटी तोड़ते, बटर रोटी में बटर इतना तैर रहा है भाई। एक पीस बटर रोटी एंड मटन, देखते ग्रेवी क्या। ये मैंने कभी खाया नहीं है। अच्छा है, चर्बी आया मेरे मुंह में, पर इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि मटन का मैं आलू ज़्यादा, बाकी अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है। टेस्ट इज रियली नाइस। बिरयानी का प्लेट बहुत बड़ा है भाई। नाइस, रियली नाइस। मतलब कुछ 170 का बिरयानी है, 170 का ये मटन है और 20 रुपये की रोटी है। ओवरऑल बजट फ्रेंडली होटल विथ गुड टेस्ट एंड ठीक ठाक क्वांटिटी, अच्छा क्वांटिटी। अभी मैं खाता हूँ वरना मेरा खाना ठंडा हो जाएगा। तो अब तक के लिए आई होप कि आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा, और मज़ा आया तो पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड बगदादी आओगे तो मेरा नाम लोगे, बोलना मैंने रेफर किया आपको, मेरे को लोग थोड़ा कमीशन वमीशन भी देंगे। चलो बाय, मिलते हैं। चलो चलो चलो।